इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। रैबोनिक प्लस कैप्सूल एसआर एक डॉक्टर के पर्चे की दवा है जिसका इस्तेमाल गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, एसिड रिफ्लक्स, आंतों का अल्सर और इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम के इलाज में किया जाता है। यह पेट में अतिरिक्त एसिड का बनना कम करता है और पेट के एसिड को आहार नली में जाने से रोकता है। रैबोनिक प्लस कैप्सूल एसआर को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधि के अनुसार भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जाता है। डोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रति आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगी। डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधि तक इस दवा का सेवन जारी रखें। अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षण वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। अपनी हेल्थ केयर टीम को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, क्योंकि वो दवाएं इस दवा को प्रभावित या इससे प्रभावित हो सकती हैं। सबसे सामान्य साइड इफेक्ट मिचली आना, पेट में दर्द, डायरिया, दस्त, पेट फूलना, गैस बनना, कब्ज, सिर दर्द, कमजोरी और फ्लू जैसे लक्षण हैं। इनमें से अधिकांश अस्थायी होते हैं और आमतौर पर समय के साथ सही हो जाते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। इससे चक्कर आने और नींद आने जैसी समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए जब तक आपको यह पता न चल जाए कि दवा आपको किस प्रकार से प्रभावित करती है, तब तक ड्राइविंग या मानसिक एकाग्रता की आवश्यकता वाली कोई भी गतिविधि न करें। यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचें, क्योंकि इससे आपको अधिक नींद आ सकती है। लाइफस्टाइल में परिवर्तन जैसे फाइबरयुक्त डाइट, ऐसे भोजन जो आपके लक्षणों को बढ़ा सकते हैं, उनके सेवन से बचना, अधिक फ्लूइड का लेना और नियमित व्यायाम से बेहतर परिणाम पाने में आपको मदद मिल सकती है। इसे लेने से पहले अगर आपको किडनी या लिवर से संबंधित कोई बीमारी है तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं, गर्भधारण की योजना बना रही हैं या स्तनपान करवा रही हैं तो भी आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।